नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम हर एक हफ्ते टेस्टी, इजी, हेल्दी और स्वादिष्ट खाने का रेसिपीज अपलोड करते हैं। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करने के लिए मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला, नमक, दही, तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू और 1 kg चिकन लेना है। सबको एक बड़ा कटोरी में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसको ढक के फ्रिज में 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। चावल बनने से आधा घंटा पहले चावल को भिगो के रखना है। आधा घंटा बाद कुकर में पानी डाल के गैस पर उबलने के लिए रख देना है। जब तक पानी उबलता है तब तक हम यहाँ पर 5 से 6 प्याज ले लेंगे, उसे बारीक काट लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई गैस पे चढ़ा देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद 1 कप तेल डालेंगे। इसी दौरान कुकर के ढक्कन के ऊपर जैत्री, लौंग, बड़ा इलायची, दालचीनी, चक्रफूल, छोटा इलायची और नमक ले लेंगे। अब तक हमारा तेल गर्म हो गया होगा। अब इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ये सारे मसाला को उबलता हुआ पानी में डालकर मिला देंगे। यहाँ पानी अच्छे से उबल चुका है हमारा। इसे ढक के रख देंगे। तेज पत्ता भी डाल देंगे इसमें। इसी दौरान हमें प्याज को एक बार चेक कर लेंगे कि वो ब्राउन हुआ है कि नहीं। अब ये ब्राउन नहीं हुआ है, हमें इसे ब्राउन होने तक पकाना है। और हमें हमारा पानी गर्म हो चुका है, भीगे हुए चावल को पानी में डाल देना है। ढक्कन को आधा ही ढकना है, क्योंकि ढक्कन अगर हम पूरा ढक देंगे तो पानी उबल के बाहर आ जाएगा, इसलिए इसे हाफ ही रखना है। और फिर प्याज देखेंगे और प्याज को फ्राई हो रहा है। 5 मिनट बाद चावल को चेक करना है पका है कि नहीं, और हमारा चावल अभी पूरी तरह से शायद नहीं पका है। और हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, 70 से 80% ही पकाना है। और अभी ये चावल पकने में और 2 मिनट लगेगा। और इसी दौरान शायद हमारा प्याज भी पक चुका होगा, फ्राई हो चुका होगा। एक बार देख लेते हैं हम। देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने यहाँ 15 मिनट तक प्याज को फ्राई किया है। अब तक चावल भी पक गया होगा, इसे चेक कर लेते हैं। ये पक चुका है। अब इसे पसा लेंगे और एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। अब हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके कुकर चढ़ा देंगे गैस पर।
कुकर गर्म होते ही उसमें तेल डालेंगे। जो प्याज फ्राई करते टाइम हमारा तेल बच गया था, वही तेल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तेल गरम होते ही हम इसमें एक से दो प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। छह घंटे बाद हमारा चिकन अभी मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हमें इस मैरिनेट किए हुए चिकन को हमें इसमें डालना है। और चिकन को फ्राई करना है और इसे पका लेना है अच्छे से। 5 मिनट तक पकाएंगे। इसमें जो ये तेल है इसे हम निकाल लेंगे थोड़ा सा, ये हम बाद में यूज करेंगे। अब चिकन पक गया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें चावल और प्याज का लेयरिंग करेंगे। पहले से इसमें हम 1 कप दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसमें हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें चावल डालेंगे। और ये चावल डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्याज डालेंगे। और जो हमने उस टाइम तेल निकाला था वो अब यहाँ पे यूज होगा, इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा आटा गूंद लेंगे। अब ढक्कन को आटे की मदद से सील टाइट करना है ताकि कोई हवा ना निकले। और हमें इसे 20 मिनट के लिए पकाना है।
और ये पक चुका है। अब इस आटे को थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे धीरे धीरे, और हमारा ये बिरयानी रेडी हो चुका है। और इसे अब एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर आपको हमारा ये चिकन बिरयानी रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने घर में बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसा हुआ। और चिकन बिरयानी एंजॉय कीजिए। और आप इसे रायता के साथ सर्व कर सकते हैं, सलाद के साथ खा सकते हैं।